कौन पिलाता है? पापा बाबा। हाँ? पापा बाबा। अच्छा, कितनी बार पिलाया था? इधर देखो। पापा पिलाते, कैसे पिलाते हैं? पापा पापा। बीड़ी पिलाते कैसे, ये तो बताओ। पिलाते हैं। कैसे पिलाते हैं? कैसे पिलाते हैं? कैसे पीते हैं बताओ। बच्चे को बीड़ी पिलाते हुए वीडियो क्या है उसमें? बीड़ी पिलाते हैं मेरा ससुर और मेरा देवर। मना करो तो वो गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं। तो फिर इसका हमने वो भी किया, मतलब जैसे वो बीड़ी पिलाते हैं तो मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, और ऊपर से अभी हजब देखो तो हमको मारते रहते हैं। तो इन लोगों ने उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया है तलाक नामे का। अब बोल रहे हम मायके में रह रहे, अब बल्कि हम ससुराल में ही रह रहे। अब मायके जब भी जाते हैं इन लोग के साथ ही जाते थे, साथ में वापस आते थे। किस थाने का मामला? ये बेटा मुजावर थाना बांगरमऊ। आप थाने गई हैं वहां पर? थाने हम कम से कम बहुत बार गए, जाते 7-8 बार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमसे बहाने से कंप्रोमाइज में साइन करवा लेते हैं थाने वाले, घर भेज देते हैं। और उल्टा से मारते हैं ससुराल वाले, तो हम थाने पे एप्लीकेशन देने जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ से, मतलब उल्टा मेरे ऊपर धारा लगा देते हैं। जो एक्स जो भी धारा लगाते हैं वो मेरे ऊपर लगा के कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप आई हैं आज, तो आज किस तरह का निस्तारण हुआ है? क्या तो यहाँ मैम लोगों ने कहा, मैम लोगों ने कहा है कि हम मतलब अभी बात कर रहे हैं आपसे, थोड़ी बात बताई गई है, तो उन्होंने कहा बात करके अभी न्यूज़ में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप कितनी बार आ चुकी हैं? महिला थाने में तो हम 3-4 बार वहाँ आ चुके हैं, महिला थाने पे वन स्टाफ। यहाँ पे यहाँ तो आज हम आए हैं मैम के पास, यहाँ तो आज आए वन स्टाफ सेंटर दो, तो वहाँ सुनवाई बुलवाया गया था हस्बैंड को, एक बार बुलवाया गया था तो आ गया, दोबारा बुलाया जा रहा तो नहीं आ रहा है। बोला कि हम नहीं रखेंगे, हमारा बच्चा हमको दे दो, और क्या कह रहे हैं वो अपना केस वापस ले लो। बीड़ी पिलाते और इसे मारते पीटते बहुत ज़्यादा हैं। गए थे हम वहाँ, जो वीडियो था उसको लेकर के आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, वो बाल कल्याण भवन में गए थे हम लेके। तो वहाँ क्या कार्रवाई? वहाँ पे कार्रवाई है कि मुकदमा कर दिया गया था वहाँ से, सब लोगों ने मुकदमा किया, लेकिन उससे कोई मुकदमा, अब कब 2-3 महीने हो गए मुकदमे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 2 महीने पहले ये प्रकरण मेरे सामने आया था, जिसके उसी दिन जिस दिन महिला आई थी बच्चे को लेकर के, हम लोगों ने बच्चे से बात की, जिला प्रशासन अधिकारी महोदय के सामने बच्चे को प्रस्तुत किया, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन लेके बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बच्चे को तुरंत उन्होंने FIR के आदेश दिए। थाना बेटा मुजावर में इस बच्चे के बाबा तथा उसके चाचा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हो चुका है तथा उसमें विवेचना प्रचलित है। आज दोबारा फिर वो महिला आई है, क्योंकि अब चूँकि FIR हो चुकी है, पंजीकृत हो चुकी है और विवेचना प्रचलित है। उनको बताया गया कि इससे SO से भी बात हुई है, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।